बार्थ ओगबेच ए कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एस सी इज टुडे एक कमाल की हैट्रिक मारते हुए पहला गोल हेडर के साथ दूसरा गोल अरिंदम को बीट करके एंड तीसरा गोल कमाल का राइट फुटेड शॉट जो कर्ल के कॉर्नर पे गया वॉट अ प्लेयर ही ये कल सुनील छेत्री को अब एट uh, गोल करके और बच्चे सोच रहा होगा कि यार मेरे तो सिर्फ मेरे 44 फोर गोल्स हैं मैं सेकंड पे हूँ सुनील छेत्री एंड कोरो फर्स्ट पोजीशन पे हैं सो आई हैव टू स्टार्ट स्कोरिंग क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ सुनील छेत्री ज़्यादा गोल स्कोर नहीं कर पा रहा है इस सीज़न ही इज़ नॉट इन हिज बेस्ट फॉर्म दिस सीज़न आई हैव अ चांस एंड मैं हीरो आई का टॉप स्कोरर बन सकता हूँ आई थिंक यही सोच के वो इस मैच में आया होगा एंड वॉट What a player he is! Literally one of the most entertaining players to watch. I think Northie. started with uh, Kerala Blasters, Mumbai, and ab Hyderabad. he's killing it, totally killing it. Barthogvich is like a beast. Yeah, he's, he's he's not an iso level striker. He deserves to play in some top. टीम बट वी आर लकी टू सी हिम इन हीरो आईसल। ये कहने के बाद यू नो मी बींग न्यूट्रल आई इन्जॉयड द मैच लॉर्ड बट अगर आप एक ईस्ट बंगाल फैन होंगे तो यू you नो know, काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ होगा आपको ये मैच देख के क्योंकि दे नेवर प्लेड बैड आई थिंक पहला uh, जो आदिल खान का Uh, क, का वो मिस्टेक uh, जिससे यू नो अरिंदम भट्टाचार्य को वो एम्बेरसिंग गोल वन ऑन वन पोजिशन में जो बीट किया ऑग ने वो झेलना पड़ा उसके बाद तो इट वॉज लाइक देवर ऑन फायर अनिकेत यादव ही वॉज ही वॉज यार ही हैदराबाद एफ सी तो एंड में आते आते देवर टॉइंग लिटरली देवर प्लेइंग देर लिटली डिस्ट्रॉइंग ईस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल बिल्कुल ही टूटी फूटी यू नो क्या ही बोलूँ वो जो ईस्ट बंगाल को जो वो पेनल्टी मिली मार्सलो ने जो डाइव मारी है दिस मैच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरटेनिंग एंड यू नो मज़ा ही आ गया एक तरीके से मी बींग ए न्यूट्रल फैन मुझे तो ऑबियसली मज़ा आएगा बट मैं सोच सकता हूँ कि एस सी ईस्ट बंगाल फैंस को कितना बुरा लग रहा होगा बॉटम ऑफ द टेबल सबसे नीचे हैं टेबल के सिर्फ नौ पॉइंट्स हैं इनके पास एंड काफ़ी बुरा लग रहा है इनके लिए क्योंकि सीज़न स्टार्ट होने से पहले जो प्रॉब्लम्स हुई थी उसके बाद लेट इन्होंने अपना स्क्वाड बिल्ड करना स्टार्ट किया एंड स्क्ॉड बिल्ड करने के बाद ही इतनी प्रॉब्लम्स हुई प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स अपने कोच को सेक किया फिर रनडी सिंह ही प्लेड गुड फुटबॉल बट अब नया कोच आ चुका है बट कुछ यू uh, नो you know, कोई होप कोई लाइट ऑफ होप होप दिख नहीं रहा ईस्ट बंगाल के लिए दैट इज़ बैड बट हैदराबाद हैदराबाद इज़ लाइक रूलिंग राइट नाउ लेट्स टेक अ लुक एट पार्थॉक बेचे ग्यारह गेम खेले हैं अभी हैट्रिक के बाद 12 गोल्स हो गए हैं उसके सो या लीडिंग गोल्स कोट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू नो वेल डिज़र्व ही टोटली डिजर्व इट एंड अनिकेत यादव ने भी एक गोल स्कोर किया एंड वो भी यू नो कमाल ही गोल था एंड अनिकेत यादव यू नो ही टुक थ्री शॉट्स जिसमें से एक अरिंदम ने सेव किया एक गोल हुआ एंड एक यू नो काफ़ी वाइड ऊपर चला गया था बट यू नो कॉन्फिडेंस दिखा उस पर और ही सच ए ग्रेट प्लेयर यू यू नो नो और फ्यूचर के लिए इंडिया के लिए इज़ लाइक यू नो ग्रेट टैलेंट एंड हैदराबाद एफसी में सिर्फ अनिकेत यादव नहीं हितेश है uh -huh. uh, उनके पास आशीष राय है उनके पास निखिल पुजारी है उनके पास uh, uh, उनके पास रोहित धानू है उनके पास प्लेयर्स ही प्लेयर्स हैं यासिर मोहम्मद है उनके पास दे हैव नो चिंगन सना सिंह इवन कट्टी मनी कट्टी मनी भी उन, उनके साथ खेल के इज़ बिकम अ टॉप गोलकीपर, so सो yeah, things थिंग्स आर लुकिंग ग्रेट फॉर हैदराबाद and सी एंड on इज़ ऑन फायर एंड इस सीज़न हैदराबाद इज़ गोइंग टू मेक अ डिफरेंस एंड काफ़ी अच्छा यू नो एम एक्सपेक्टिंग हैदराबाद और केला ब्लास्टर्स को मैं फ़ाइनल में देखूं क्योंकि ये दो ये दो टीम्स हैं जो बहुत अच्छा खेल रही हैं ऑल दो मुंबई सिटी एफ़सी को काफ़ी अच्छा करते हुए देखना चाहता हूँ मैं क्योंकि ये सी चैम्पियंस लीग खेलना है उनको और यू you नो know, बहुत ज़रूरी है कि वो हीरो आई में अच्छा परफॉर्म करें सो वॉट आर योर थाट्स ऑन टूडेज़ गेम आपको क्या लगता है आई एस एल किस तरीके से जा रहा है वॉट डिड यू वॉच द गेम कमेंट डाउन बिलो एन आल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैन बाय बाय